हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बन और मैं लेके आया हूं एक नया यूनिक वीडियो। ये वीडियो का टॉपिक क्या है? ये वीडियो का टॉपिक है हाउ यू नीड टू हील योर कार्मिक ड्रामा इन दिस रिलेशनशिप। यानी कि जो रिलेशनशिप पे आप हो, उस रिलेशनशिप के अंदर जो कार्मिक ड्रामा चल रहा है, जो पाबंदियाँ है, जो डिसटिस्फेक्शंस है, जो रिपीटेटिव पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, उससे कैसे आप खुद को हील कर पाओगे। आई थिंक ये एक यूनिक टॉपिक है। इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ यू नीड टू हील योरसेल्फ फ्रॉम दोस कार्मिक ड्रामा, एंड उसके बाद ओरेकल गाइडेंस से भी चेक कर लेंगे। सो ये वीडियो यूनिक होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे एंड मददगार भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई सर्विस सेल करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोगों को क्लैरिटी देता हूँ। सो स्कैमर से बचिए, मैं कभी भी आप लोगों को अप्रोच नहीं करूँगा। ये स्कैमर्स लोग हैं जो लोग मेरे फोटोज़ भी यूज़ करते हुए अप्रोच करते हैं। सो डोंट फॉल इन देयर ट्रैप। ओके, सो लेट्स सी इस टाइम पे कौन से कार्मिक ड्रामा चल रहा है। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कार्मिक ड्रामा यू आर इन। क्या कार्मिक ड्रामा चल रहा है इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? फाइव ऑफ वंड्स। ओके, टेन ऑफ शोर्ड्स। ओके, दैट इज शो। एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ए के आप लोगों को लड़ते लड़ते एक चीज़ एक चीज़ फेड हो जा रहे है। वो है कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हो या फिर एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। आई थिंक दिस कार्मिक ड्रामा है इसके, आप जितना भी कुछ कर रहे हो ना, वो फेड हो रहा है। लाइक दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं हो रहे। ए बी सेपरेशन, क्योंकि अननेसेसरीली दो सोल अलग हो रहे हो, दो सोल के बीच में जो कनेक्शन है उस पर डाउट आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हो सकता है कि आप लोग एक रिलेशनशिप पे तो हो, बट जो फुलफिलमेंट चाहिए, जो सपोर्ट आपको चाहिए, जो एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, वो एक रिपीटेटिव पैटर्न में आपको नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली फाइव ऑफ वंड्स मतलब कि आपको पता है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है, बट उसके बाद भी आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हो, एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो। सो बात यह है कि आप क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हो, लड़ क्यों रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हो। बात है कि आपको चाहिए एक्सेप्टेंस और उनको चाहिए एक पावर। आई थिंक पावर वर्सेस एक्सेप्टेंस का ये कार्मिक ड्रामा चल रहा है। एंड मैं ये देख सकता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर इन्जॉइंग इट। सो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले इसमें शामिल नहीं हो के भी एक साइलेंट स्पेक्टेटर है, या फिर उनके घर वाले उसको कुछ नहीं बोल रहे। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू गाइज एंड दे आर काइंड ऑफ गॉसिपिंग अबाउट यू गाइज एंड दे आर प्रोबेबली एंजॉयिंग इट। नाउ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं है, तो फिर ये पीपल क्या है? तो फिर है ये आपके थॉट्स। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि आप इसी पर्सन को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हो, काफ़ी बार हो रहा है कि वो आपको बहुत नेगेटिवली ले रहे हैं। सो आई थिंक क्या है कि इस सिचुएशंस में यू गाइज आर फेसिंग ईच अदर विदाउट नॉट टेलिंग द ट्रूथ। मतलब आपका प्रॉब्लम है कुछ और आप लोग लड़ रहे हो कुछ और चीज़ को लेकर। टेन ऑफ शोर्ड्स, बार बार आप लोगों एक ही जगह पे आके ख़त्म हो रहे, और वो है एक मिस्टिक फॉल। अभी अभी आवाज़ आया कुछ गिरने का। सो डेफिनेटली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइन कि यूनिवर्स इज सेइंग कि जब भी आप कुछ रिलेशनशिप को सजा के रखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जब भी आप रिलेशनशिप को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, तभी वो आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। ये आप इनके प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये पर्सन आपको अपने बश में लेना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और लिटरली टेन ऑफ शोर्ड्स मतलब
आप बहुत लोनली फील करते हो रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी. लाइक मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये आपको अपने कंडीशन से यूज़ करते हैं, बट आप इनके लिए अनकंडीशनली रहते हो. सो बेसिकली द डर है आपको कि ऐसे करते करते ना ख़त्म ना हो जाए, ऐसे करते करते ना ये किसी दूसरे पर्सन को चूज़ ना कर ले. आई थिंक द म्यूचुअल सपोर्ट इज़ मिसिंग. आई थिंक जो पेन है, जो दर्द है, वो अभी ऐसा हो गया है कि प्यार से ज़्यादा सेपरेशन का टाइम हो गया है, या फिर प्यार जब तक आप किए थे उससे ज़्यादा तो आप लोग सेपरेटेड हो. आई थिंक दोनों के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं लेके आ पाए आप दोनों. बेसिकली क्या है कि अक्सर आप इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए सोचते हो और वो डिनाइल मोड में चले जाते हैं. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसको नहीं करने हैं, या फिर आप उस पर एक उम्मीद लगा के बैठते हो. लाइक एवरीडे आपको लगता है कि ये चेंज होंगे, ये चेंज होंगे, बट इट नेवर हैपेंस. लाइक कोई ना कोई बात ये ऐसे कर देते हैं जहाँ पे आप हर्ट हो जाते हो. लाइक मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव एंड होपफुल पर्सन हो और आप मैनिफेस्ट करते हो कि ये नेगेटिविटी, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, या फिर मान लो कि दोनों के जो भी मतभेद है ये ख़त्म हो जाए. बट होता है कि रिपीटेटिव वे में कोई आपको हर्ट करते जा रहे हैं, वो इमोशनली बोलो, फिजिकली बोलो, जो भी बोलो. बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि छोटे छोटे नीड्स को आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलता है. लाइक आप उन लोगों की तरह हाई एम्बिशियस नहीं हो. आप सुकून चाहते हो, आप लाइफ को फुलफिलली मतलब एक फुलफिलमेंट चाहते हो. आपके लिए गाड़ी, बंगला, ऐसा स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके लिए सच्चा प्यार इंपॉर्टेंट है. बट द थिंग इज दैट कि जब आप रेडी होते हो, जब आप एक्सप्रेस करते हो, तब उनसे आपको मिनिमम एक्सेप्टेंस नहीं मिलता. सो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस. और बार बार मैं देख सकता हूँ कि हॉन्टिंग. लाइक आप रोते हो जब, तब आप मेमोरीज को सोच के रोते हो, क्योंकि डीप इन इनसाइड आप बहुत लोनली हो. और जब भी आप लोनलीनेस को बयां करते हो तब आपको ये मिसजज करते हैं, या फिर आपके ये एक्सक्यूज मानते हैं, या फिर आपकी ये हैबिट मानते हैं, या फिर आपके सेंसिटिविटी को ये वैल्यू नहीं देते. ये रिपीटेटिव वे में हो रहे हैं. एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि यू नो इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है, इस रिलेशनशिप पे एक होप है, इस रिलेशनशिप का एक ब्राइट साइड है, बट दोनों कि इतना ज़्यादा डर है और दोनों के बिजी लाइफस्टाइल ऐसे है कि आप लोग सोचने के लिए भी दो बार सोचते हो. लाइक क्या आप लोग एक साथ मिलके कुछ कहीं पे जा सकते हो? नो, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है. सो लाइक ऐसा हो रहा है कि जब ये अपना साइड लेते हैं तब आपको भी अपना साइड लेना पड़ रहा है, क्योंकि कब तक आप इसी पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाओगे? आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि आप लोग शायद बोल रहे हो कि दादा और हो गया, लाइक अभी तो मेरे को मेरे ऊपर फोकस करनी है. एंड आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब किसी किसी के लिए आपको लगता है कि इट इज़ लाइक बहुत ही पेनफुल वेट करना, वेटिंग गेम. किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि वाकई में क्या वो आपके लिए फील करते. आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आप अपने आप में फुलफिल्ड हो, बट इनके लिए आप शायद अपना वैल्यूज़ को बहुत गिराते हो. लाइक आप एक रिलेशनशिप को सुधरने के लिए बैठे हो, बट उनका प्रॉपर रिप्लाई कभी भी नहीं आए हैं, या फिर आप चाहते हो कि आप जिस तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हो ये भी उस तरीके से एफर्ट्स डालें, बट बात हो रही है कि जितना इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोलफुली आप सोच रहे हो उतना ही प्रैक्टिकली, मटेरियलिस्टिकली ये सोच रहे. आई थिंक दोनों के सोच विचार में एक सेम चीज़, लाइक सेम कार्मिक रिपीटेशंस के, लाइक आप अगर किसी सिचुएशंस को दिल से पसंद कर रहे हो ये उस सिचुएशंस को वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर वो कुछ हाईली वैल्यूड सिचुएशंस को बहुत तारीफ करे तब आप उस चीज़ को बोल रहे हो कि ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है. आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि दोनों के बीच में गिव एंड टेक है, चाहे आप मानो या ना मानो. दोनों ही अपनी तरफ से बहुत क्लियर रहना चाहते हो, एक भी दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा प्रॉब्लम बनना नहीं चाहते हो, बट कहीं ना कहीं शायद हो सकते हैं आप उसको मांग रहे हो कि मेरे को टाइम दे दीजिए, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, मेरे को आपकी ज़रूरत है. मैं हमेशा ऐसे अकेले, मैं मेरे जगह पे, आप आपकी जगह पे, व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया से हम लोग कनेक्टेड रह के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बात करना. अभी आपको एक स्टेप लेना है, बट जब आप ये सब बोल रहे हो तब ये बातें बंद कर दे रहे हैं, या फिर बात को घुमा दे रहे हैं, या फिर कोई और अलग प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, तब आपको लग रहा है खैर छोड़ो इस बात के बारे में हम नहीं बात करेंगे. आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस चीज़ को एस्केप कर रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है, रिलेशनशिप ग्रोथ उठ रहा है, उसके बाद फिर से डाउन. सो आई थिंक ये पुल एंड पुश
हो रहा है, कभी आप खींच रहे हो, कभी वो खींच रहे हैं, कभी आप बोल रहे हो इनफ इज इनफ, कभी वो बोल रहे हैं इनफ इज इनफ, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हो तो बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हो। नाउ आपके सामने क्या चीज है, लेट्स सी, इस कार्ड से देख लेता हूँ आपके सामने क्या चीज है। फर्स्ट इंटेंशन, सो बेसिकली यहाँ पे आते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक कुछ भी नहीं, जैसे कि आपके रेगुलर हैबिट, आपके रेगुलर फेवरेट चीज़ें, वो मैनिफेस्टेशन, वो एनर्जी, आई थिंक यू आर नॉट फीलिंग इट। सो द बेसिक थिंग इज कि जिस मोटिवेशंस के साथ आप उठते थे, मैनिफेस्ट करते थे, मैजिक यूज करते थे, अब उस सब चीज़ में एक बोरिंग सा लग रहा है कि लाइक नो इज इट इवन वर्किंग और नॉट। सो इंटेंशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आई थिंक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही या फिर बहुत लेट हो रहे हैं, बट ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई मोरल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ इंटेंशन, लैक ऑफ मोरल सपोर्ट। सो द थिंग इज यहाँ पे बोला जा रहा है लुक एट दिस सैड फेस, बट यहाँ पे आप एक एंजल हो, लुक एट द ऑरा ऑफ योर्स, आई थिंक ये एंजल खो गए हैं। क्या आप सच में खो गए हो? Do you really feel your inner beauty? Do you really think that you are such an amazing person? I think that is lacking. I think you are not accepting yourself. You are just in a self-denial mode. आप पहले से ही negative हो रहे हो, पहले से ही questions उठा रहे हो, and that's the problem. That's the whole thing. आपको decide करना है कि अगर आप इस person के साथ रहोगे तो you really need to figure things out. और अगर आपको इस पर्सन से जाना है सो ऑल्सो यू नीड टू टेक अ मेजर डिसीजन। अब ये मत सोचो कि इस पर्सन के साथ हूँ बट अगर नहीं होता तो ये होता, या फिर इस पर्सन के साथ नहीं हूँ मैं बट अगर होता तो बहुत कुछ होता। डोंट डू दैट, यू आर गुड एनफ एंड दैट इज यू आर नॉट, बट दैट इज द थिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। लुक एट दैट, योर विंग्स, कहाँ पे है आपके विंग्स? आपके विंग्स अभी जैसे ऐसा है कि कोई कट किया है आपके विंग्स और आप एक चलता फिरता डेड बॉडी बन गए हो। इमोशनली कहाँ पे खो गए हो आप? देर इज नो इमोशंस, यू आर सैड, यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर टोटली साइलेंट। एंड यहाँ पे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको पुकार रहे कि कम ऑन, चीयर अप, एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश कर रहे कुछ नई चीज़ करने के लिए, बट आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है। आपका बॉडी बोल रहे नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ बातें सुन रहे हो, शायद इसीलिए आप ये वीडियोस को देख पा रहे हो। आई थिंक द थिंग इज जो ग्लो था वो आप फील नहीं कर पा रहे हो अंदर से, एंड लैक ऑफ इंटेंशन, लाइक आप सोच भी नहीं पा रहे हो, इतना ब्रूटल एक्सपीरियंस आपका रहा है। लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो आप इस टाइम पे, what you are experiencing and why. Okay, first of all emotional energy and second, oh my god, transitions. I think बहुत high emotional हो रहे हो आप। I think ऐसा हो रहा है कि आपको भी लग रहा है कि आपको change होना है but आपको नहीं पता है कि कैसे। एक मेजर शिफ्ट चेंज हो रहा है, क्या आप ये चीज़ को नोटिस किए हो? लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अब दर्द आपके लिए बहुत बहुत इजी हो गया है। अभी आपको इमोशनल जब आप फील करते हो तब आपको पता चलता है कि रियलिटी में इमोशंस का कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप किसी से इमोशनली विदड्रॉ किए हो, स्ट्रॉन्ग बन गए हो। पहले आप बहुत ज़्यादा रोते थे, वैलिडेशन मांगते थे, हो सकता है कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन से आप बाहर आ रहे हो और लिटरली आप अपने इमोशंस को किसी और जगह पे लगा रहे हो। हो सकता है आप चेंज हो रहे हो, आप और भी बेहतर पर्सन बन रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर चूजिंग समवन ओवर समवन। लाइक आप एक पर्सन को चूज कर रहे हो दूसरे पर्सन से, या फिर आपके पर्सन कुछ आप चाहते हो कि ये चेंज हो के आपके पास आए, बट जब तक नहीं आएंगे तब तक आप खुद के करियर के ऊपर फोकस करोगे या फिर खुद के लाइफ के ऊपर। यू आर एक्सपीरियंसिंग हाई वोल्टेज इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम हो सकता है, लड़कों के लिए सेक्सुअल अर्जेस हो सकता है। यू आर राइट नाउ
इन अ पोजिशंस वेयर यू कैन सी एवरीथिंग, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको सब कुछ सुन रहा है, बट आपका हाथ पैर बंधा है, लाइक आपको पता है कि आपको सिर्फ एक साइन चाहिए. यू आर अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस कि आप चेंज हो रहे हो, आपके लाइक्स बदल रहे हैं, डिसलाइक्स बदल रहे हैं, आप जिस तरीके से बात करते थे अभी आपको हंसी आते हैं, किसी किसी के लिए मैं देख सकते हो अवेकनिंग हुआ है, कोई आप खुद को रेक्टिफाई किए हो, किसी थेरेपी लिए हो, हीलिंग सेशन किए हो या फिर खुद कर रहे हो, एंड हो सकता है जो मिस्टेक्स आप किए हो उसको जॉट डाउन करके रखे हो. आई थिंक यू आर चेंजिंग एंड इमोशनली विदड्रॉ कर रहे हो, जो भी इमोशनल फ्लॉज था उसको विदड्रॉ किए हो. बट कहीं ना कहीं द थिंग इज पास्ट आपको बुला लेते हैं, लाइक जितना आप कॉन्फिडेंट आप शो करते हो उतना नहीं हो पाते हो. इसीलिए क्या होता है कि आप खुद को प्रॉमिस करते हो कुछ चीज़ को रिपीट नहीं करने की, मतलब रिपीट नहीं करेंगे. बट आई थिंक सम ऑफ यू आर डूइंग द सेम थिंग. आप लोगों को पता है कि कुछ गलती कर रहे हो बट फिर भी आप आदत से मजबूर हो, कहीं ना कहीं वो लाइक वो लास्ट एफर्ट कि नहीं मैं दिख के ही जाऊँगा, आई थिंक ऐसा. एंड एट द सेम टाइम कोई ब्रेकअप को सीरियसली लेके खुद को चेंज कर रहे हो, लाइक हो सकता है ब्रेकअप हुआ है बट आपको किसी दूसरे रिलेशनशिप पे जाना नहीं है. यू आर राइट नाउ ओनली फोकसिंग ऑन योर करियर, ऑन योर सोल वैल्यू. एंड ये कार्मिक ड्रामा को आप ख़त्म इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप देखना चाहते हो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या रखे. नो सम ऑफ यू आई कैन फील कि आप बोल रहे हो कि बहुत हो गया, नाउ मेरे को उससे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं तो मूव ऑन किया हूँ, बट नाउ मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिवर्स मेरे लिए क्या रखा है. आई थिंक नाउ यू आर सेल्फलेस, नाउ यू आर सेल्फ लविंग ऑल्सो, एंड नाउ यू आर अनकंडीशनल, लाइक आप लोगों को जज नहीं कर रहे हो, आपको सच में पता चल रहा है कि कितना बुद्धू थे आप, काइंड ऑफ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब आप एक मैच्योर हो रहे हो, आपको पता चल रहा है आपका गलती, कहाँ पे आप सेल्फिश थे, कहाँ पे आप सेल्फलेस थे, कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उदार थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, कहाँ पे आप थोड़ा सा क्रूएल थे. आई थिंक यू आर नाउ स्केचिंग ईच एंड एवरी इमोशंस ऑफ योर्स. नाउ आपको पता है कि आप कैसे हो एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के हाउ आर यू बेसिकली और हु यू आर बेसिकली. ओके नाउ व्हाट डू यू डोंट नो, व्हाट डू यू डिड नो और डोंट नो. Wow, melting mask. And that's true. I think आपका जो spiritual power था, उस power के बारे में, उस infinite power और blessings के बारे में आपको पता नहीं था. And now melting mask, आपको पता चल रहा है आपकी inner beauty, आपकी inner power. हो सकता है this message is the clear cut sign that you are ending all those drama, you are cutting all those things. आप बोल रहे हो कि अगर आना है तो आपको आना है. Like you are not going to chase someone, you are not going to run for something, you are not going to listen someone's appreciations because you know you are good enough. Now the melting mask means आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ईश्वर चाहिए, आपको सिर्फ अपना सक्सेस चाहिए, आपको सिर्फ अपने खुद को अच्छा दिखना चाहिए. आई थिंक नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ. एंड एट द सेम टाइम किसी को पता चल रहा है कि कोई आपको चीट किया था या फिर कोई ऐसे है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स वाई यू आर नॉट फोर्सिंग देम टू चेंज, रैदर यू आर चेंजिंग योर सेल्फ. आई थिंक आप खुद को चेंज कर रहे हो, किसी को बार बार बोले थे. एंड जो चीज़ आपको पता नहीं है वो है कि आप चेंज हो रहे हो, एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप का जो कनेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं. मेल्टिंग मास्क, जो भी मास्क पहन के हम चलते थे, लाइक ऐसा होता है ना, हम अक्सर दूसरों के सामने क्या बोलते हैं जब हम इंट्रो देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ. बेसिकली हम लोगों का इंटेंशन रहता है कि जितना हो सके हम हमारे बारे में अच्छे चीज़ को बोल सके. बट क्या कभी हम लोग ऐसे स्टार्ट किए हैं कि देखिए मैं ऐसे, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, मेरा निकनेम ये है, एंड मेरा दैट 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 थिंग्स, दोज आर नॉट दैट मच स्पेशल. हम लोग नहीं किए, बट नाउ आपके सामने ऐसा आ रहा है कि आप सब चीज़ को एकदम ओपन टू ऑल रख रहे हो, कोई भी सीक्रेट्स को आप छुपा नहीं रहे हो. यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. एंड वो जो होता है ना, जो सुपरफिशियल जिंदगी हम, जो सुपरफिशियल इमेज लेके चलते हैं, उस इमेज को आप एकदम कम्प्लीटली हटा दे रहे हो. लाइक आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे ज़िंदगी जहाँ पे लोगों के लिए कुछ करना पड़े, जहाँ पे मैं दूसरों के लिए कुछ करना पड़े, जहाँ पे सिर्फ सामने वाले पर्सन किस तरीके से प्लीज़ हो सकते उसके लिए मेरे को कुछ करना पड़े. आप वही काम कर रहे हो जो काम आपको सेटिस्फाई करते हैं. आई थिंक दैट
यू डोंट नो, उसके बारे में आपको पता नहीं है. लाइक धीरे धीरे आप अपने सोल के बारे में जानना स्टार्ट किए हो, सोल को सुन पा रहे हो, स्पिरिट को सुन पा रहे हो, ये बात आपको पता नहीं है. मेल्टिंग मास, किसी का असली चेहरा बाहर आ रहा है, किसी का वीकनेस बाहर आ रहा है, किसी कोई सच में आपको प्यार करे तो वो चीज़ बाहर आ रही है. जो जो रंग आप दिख रहे हो वही उसका असली वाला रंग है, उसका बाहर आ रहा है. शायद आप इस बात को नहीं देख पाए थे या फिर नहीं जान पाए थे. आई थिंक समबडी इज टेलिंग यू द ट्रूथ, समबडी इज बेसिकली कन्फेसिंग देयर ट्रू इमोशन, और रिलेशनशिप का सच्चाई बाहर आ रहा है. लाइक यही है जिंदगी, यही है रिलेशनशिप. इससे बुरा भी नहीं होगा, इससे अच्छा भी नहीं होगा. यू हैव टू एक्सेप्ट द ब्रूटल ट्रूथ. लाइक किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ, कोई परमानेंट रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं सिचुएशनशिप, बट उसमें मज़ा नहीं है, उसमें झगड़ा भी है, प्यार भी है, एंड ऑल टुगेदर आप इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो. पहले शायद आप सोच रहे थे कि क्या इसमें वेट करना चाहिए, बट नहीं. बट अभी आप इस पर्सन के सोच के नहीं, आप खुद के बारे में सोच के इस रिलेशनशिप में रह रहे हो कि आप क्या डेवलप किए हो, आप क्या सीख पाए हो, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में हुआ है. सिर्फ दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड क्या बोल रहे, नहीं, आपके लाइफ में क्या सीखे हो, ये चीज़ को आप नोटिस किए हो अननोइंगली. मतलब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड नोटिस किए, इसीलिए आप चेंज हो रहे हो, रिलेशनशिप चेंज हो रहे है, किसी के असलियत बाहर आ रही, इसके बारे में आपको पता नहीं है. नाउ 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 व्हाट यू नो, लेट्स सी आपको क्या पता है, लेट्स सी. ओके, दानू, आपको पता है आपके इंट्यूटिव एबिलिटीज़, आपको पता है कि आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है, आपको पता है कि आप एक हीलर हो, एम्पैथ हो, आपको पता है आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको पता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, एंड आपको ये भी पता है कि ये जो मिस्टिक रिले है, यानी कि हमारे और आपके दुनिया के बाहर भी एक रिले है, इसके साथ आप कनेक्टेड हो. सो यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि आपको अपना इंट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, और इसीलिए आपको भी पता है कि ये कार्मिक ड्रामा खत्म होंगे और डेफिनेटली आप दोनों यूनाइटेड होंगे. आई थिंक आप एक अपने विल पावर एंड मैनिफेस्टेशन पावर से किसी पर्सन को चेंज करने के लिए बहुत सोचे थे. नाउ यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, और आपको ये लगता है कि क्या सच में चेंज होंगे ये पर्सन, या फिर रिलेशनशिप चेंज होंगे. यहाँ पे क्लियर कट साइन आ रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाई योर इंट्यूशन इज बार बार आपको बोल रहे थे रोकने के लिए खुद को, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली यू आर चूजिंग दैट पर्सन कि नहीं, मेरे को रहना है इस पर्सन के साथ. किसी के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो दिस इज अ क्लियर कट साइन कि यू नो योर इंटेंशन, यू नो योर इंट्यूशन. यहाँ पे लैकिंग, मतलब फिजिकल रियलिटी में कोई चीज़ नहीं हो रहा है, बट जब आप वेट करोगे, जब आप यूनिवर्स के हाथ पे पूरे लाइफ को सरेंडर कर दोगे, अपने ब्रोकन सेल्फ को सरेंडर करोगे, यूनिवर्स आपको फिक्स कर देंगे. सो यू आर अवेयर ऑफ योर इंट्यूशंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट योर यूनिवर्स इज टेलिंग यू, एग्जैक्टली नो कि आपको क्या करना है. बट बात है कि आपको ये पता नहीं है कि आप ये चीज़ जानते हो. सो बेसिकली आपके पास पावर है और उस पावर के बारे में आपको पता नहीं है. नाउ धीरे धीरे उस बारे में ही आप जान पा रहे, इसीलिए आपके इमोशंस हाई है, सेक्सुअल अर्जेस हाई है, रोना आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, आप मैच्योर बन रहे हो. नाउ ये एंजल धीरे धीरे एक पावरफुल एंजल में बदल जाएंगे. लोग जिसका विंग्स कट कर दिए थे, जिसको दबा के रखे थे, जिसको मैनिपुलेट किए थे, जिसको Completely corner किए थे, वो person evolve हो रहे as a divine feminine, and उसके बारे में आपको पता है कि you are evolving, destiny बोल के एक चीज़ है, आपको success मिलेंगे. Now success मतलब ये नहीं कि बंगला, गाड़ी, you know, cars and all, no, यहाँ पे success मतलब wisdom, महाविद्या, and that you are capable of, you are capable of multiple things, you are capable of different things, and वो चीज़ के बारे में आपको पता है, बट उसका कोई प्रूफ आप नहीं देख पा रहे थे, बट आप देख पाओगे. नाउ वॉट विल हैपन, वट वुड बी द फाइनल एक्सपीरियंस, क्या होगा ये कार्मिक ड्रामा के बाद. वाओ, इनर इंटीग्रेशंस, लुक एट दैट, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया. लाइक जितना आप सोच रहे थे, जितना आप डर रहे थे, सब खत्म हो जाएगा. सो फाइनल थिंग इज, आपके जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ये तीन बॉडी एक हो रहे हैं. सो बेसिकली जो डायमेंशंस रहते हैं वो एक हो रहे हैं. सो यू आर वेल अवेयर ऑफ कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं. आपको पता है कि ये कार्मिक ड्रामा को ख़त्म करने के लिए आपको सुपर टैलेंटेड नहीं, सुपर इंट्यूटिव होना होगा. सो बेसिकली मैं देख सकता हूँ कि आप सुपर अलाइंड हो रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो,
अलग लेवल में अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके जा रहे हो. यू आर ब्रेव इनफ, यू आर गुड इनफ, एंड नाउ आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हो, नाउ आप नेगेटिवली नहीं भाग रहे हो. इन द फ्यूचर आप अपने आप एकदम शांत, एकदम विद अ ग्रैटिट्यूड आप बैठे हो, आप सरेंडर किए हो, बैठे हो, एंड नाउ यूनिवर्स इज रिटर्निंग बैक ऑल द लव, ऑल द वेल्थ, ऑल द हैप्पीनेस, बिकॉज आपको सब कुछ चीज़ मिलेंगे जो जो चीज़ आप ये थ्रू योर कार्मिक लाइफ आप खोए थे. लास्ट लाइफ में भी जो चीज़ आपको नहीं मिला था वो चीज़ आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे. सो बेसिकली इनर इंटीग्रेशन मतलब जब आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहेंगे, जब आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तब आपके यूनिवर्स एक एक करके आपके इनर इंटीग्रेशन के साथ एक एक चीज़ दे देंगे. यस, ये एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट किस्म का हीलिंग होगा, बट ये जो कार्मिक सेपरेशन चल रहा था, या फिर कार्मिक नो कॉन्टैक्ट, या फिर कार्मिक स्टकनेस सिचुएशन शिप जो भी हो रहा था, जहाँ पे आपका वैल्यूज गिर रहा था, वो नहीं होगा. आप अपने वैल्यू को यू नो डिस्कवर कर पाएंगे. डेफिनेटली आप एक एम्पावर्ड सोल बनेंगे, एंड डेफिनेटली आपका रिकॉग्निशन होगा. और जो रिलेशनशिप को आप हील करना चाहते हो, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होगा, यहाँ पे फ्यूचर होंगे, यहाँ पे बच्चे होंगे, यहाँ पे सेपरेटेड नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे. एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड आप दोनों को एक कर रहे हैं. कोई नहीं देखना चाहते हैं कि आप दोनों को अलग. यू नो आप कार्मिक बॉन्डिंग में बंधे थे क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ अनफिनिश्ड वर्क था, बट वो काम को आप कंप्लीट किए हो. नाउ वेरी सुन, ये हो सकता है विद इन 4 days या फिर 4 weeks आप लोग एक डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट लेवल के लव को एक्सपीरियंस करेंगे. वो फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल लव से भी ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर. एंड यहाँ पे यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म किए हो, यू आर सक्सेसफुली एंडिंग योर नेगेटिव साइकिल, एंड नाउ यू आर इन टू अ वेरी फ्रेश साइकिल, जहाँ पे लव के लिए आपको डेवलपमेंट दिख जाएगा, एक एक इनर इंटीग्रेशन दिख जाएगा, यानी कि अंदर से एक अच्छा फील होगा, एंड डेफिनेटली पार्टनर की तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगा. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा हैप्पी लव, सिंपल हैप्पी लव. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. जय माँ काली, जय माँ मातंगी. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट का निर्भर. एंड अगेन वन मोर थिंग, मेरा पास कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट मत कीजिए, और मैं कोई भी DM में अवेलेबल नहीं हूँ. बाय बाय.